खा जाएगा तेरे को। मैम आपको भी खा जाएगा, आपको भी खा जाएगा, सब खा जाएगा। पापा है हूँ भुवन गैरी, रुक जा अभी कहता हूँ, अभी कहता हूँ। ये भुवन गैरी क्या? हाँ पापा। ये तूने भुवन कहा? हिम्मत देख रहे, हिम्मत कहाँ से आ रहे? क्या रहा उसके लिए? हमारी दुकान आ गई है, ये देखो। दोस्तों शाम के बज चुके हैं 4 और हम लोग पहुंच गए हैं अपनी दुकान में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है घर आने के बाद। ठंडा भी बहुत है हमारे यहाँ, तो अच्छा अच्छा मौसम हो रखा है। और मैंने ये वाली ड्रेस पहनी थी, तो मज़ा आएगा। और मैं लेके आई हूँ मिठाई 2 किलो, जो मैं बांटूँगी यहाँ सब लोगों को। तो मैंने भैया से पूछा था कि मैं मिठाई ले जाऊंगी या आप लेके आओगे करके, मतलब मैंने बोला मैं ही ले जाती हूँ, आप मत लेके आना। तो आज सबको मिठाई भी बांट दूंगी, और अभी पहले कुछ खाते हैं उसके बाद चलेंगे घर को। दुकान में आने के बाद शुरू हो गई। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको, देखो। आपको याद आई हमारी ये सब? नहीं, ये तो मेरा है। टकले हो गए। प्रणाम दोस्तों, हम तो दुकान से घर को आ गए थे सीधे, क्योंकि वेदिका के पापा ने हमारे लिए कुछ बनाया भी नहीं था, और फिर हम लोगों का सामान लेके वो आ गए थे। तो हमने सोचा क्यों ना घर जाके ही कुछ बना लेंगे करके। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं चाची लोगों के घर के नीचे से, नीचे साइड, और आगे से हमें हमारे बुआ के बेटे दिखाई दे रहे हैं। अकेले अकेले लगे हो और साथ ही इसको लेके आए हो। सही है, सही है, प्रणाम करना, ठीक है। अरे बाप रे, भाग गई। घर पहुंचते ही अब मैं आ गई हूँ चाची लोगों के यहाँ। चाची से थोड़ा हेलो हाय करते हैं और चाची को देते हैं सरप्राइज, क्योंकि हमारा आने का किसी को पता ही नहीं था। और वेदू चले गई है वहाँ। दादी को दादी। यहाँ है नहीं दादी, दादी। मुझे हाँ गौशाले गई होगी दादी, गौशाले नहीं जाना बेटा, गौशाले नहीं जाते। तो हमें मिली नहीं, हम लोग आ गए हैं अपने बाड़े में। वेदिका सुयाल गिर जाओगे, और यहाँ मिर्च भी हो गई है, लाल लाल भी हो गई है, और हरी भी बची है कुछ कुछ। और इसमें बच हो रखी है राजमा, जो मैंने लगाई थी जाने से पहले। जाने से पहले क्या मतलब, बहुत टाइम पहले लगाई थी। और यहाँ मेरे आने के बाद मैंने देखा है पतिदेव की लगाई हुई ये जो लहसुन है, ये भी हो गई है। और हमने लगाए थे बैंगन, बैंगन भी हो गए हैं। कहाँ है ये बैंगन? ये तो कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं। और ये मैडम जी आ गई हैं अपनी खेत में, इसमें इस बार पिनालू ना, सॉरी क्या बोलते हैं इसका नाम, केले भी हुए हैं। देखो घर के केले हुए हैं, इनको हम पकाने के लिए डालेंगे।
उठो बेटो उठो बाबू। घर के सामने का नजारा कुछ ऐसा है, अभी शाम के बज रहे हैं आपका 5:03 और सामने वाली चट्टान में धूप बस जाने ही वाली है। और इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है, बहुत दिनों से मैं ये नज़ारा मिस कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी मुझे। तो बहुत दिनों से हम लोग इस चीज़ को मिस कर रहे थे वेदू और मैं। यहाँ आने के बाद हमें पता चला है कि यहाँ काफ़ी ठंडा हो गया है, अच्छा हो रहा है मौसम। हम लोग कल तक गर्मी से मर रहे थे, लेकिन आज जो है ऐसा लग रहा है मेरे चारों तरफ एसी चल रहा है करके, क्योंकि कल तक वहाँ एसी में जाना पड़ रहा था, लेकिन आज यहाँ बिना एसी में जाए बिना एसी ऑन करे एसी वाला फील आ रहा है। तो अब मैं कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, दादी लोग तो है नहीं वहाँ, दादी लोग शायद गौशाले गए होंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे उसके बाद मिलने के लिए जाएंगे फिर से, ठीक है वेदू। घर आने के बाद शैतानियाँ शुरू हो गई हैं, बाहर से कंबल वगैरह सुखाने के लिए रखे होंगे इन्होंने सुबह, और ऐसे ही रख के गए थे, तो ये मैडम जी बोली है कंबल में सो जाते हैं बल, और आ गई है अपना शैतानी करने के लिए। फुल गर्म पैजामा पहना दिया है, कल तक वहाँ गर्म हो रही थी, नॉर्मल पैजामा भी नहीं पहनने का मन करता था, और आज मैंने जो है इसको गर्म पैजामा पहना है, लगाओ कितना ठंडा हो रहा होगा सोच लो आप। और दोस्तों कल रात मैं सो गई थी खाना खाए बिना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नींद आई थी और बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी, और ये भी नहीं आए हुए थे दुकान से, तो मैंने सोचा कि इनको फ़ोन करके बता दिया जाए। मैं तो सो रही हूँ, आप अपने खाने वाने का देख लेना। तो कल हम लोगों के यहाँ श्राद्ध था चाचा लोगों का, और इनके लिए तो खाना बचा था, इन्होंने दिन में नहीं खाया था। कल आपने दिन में क्या खाया फिर? दिन में क्या खाया था आपने? अच्छा कल ये कहीं और श्राद्ध में खा के आए थे बोल के, तो कल इन्होंने फिर रात को चाचा वाला जो खाना बना था, जो चाचा के श्राद्ध में खाना बना था वो खाया होगा, और आए भी बहुत देर में, तब तक तो मैंने नींद निकाल दी होगी कितने, मुझे कुछ नहीं पता कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे नींद कब आई। तो वेदू तो दूध पी के सो गई थी, और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है हमारे वहाँ। कल तक मैं सुबह तक पंखे में ही सोई रहती थी, और यहाँ मैं कल रात में ही वो कंबल ओढ़ के सोई थी, तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर अलग है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा जाड़ा हो रहा है, जिसको बोला जाता है ठंडा, क्योंकि मेरे को अभी स्वेटर नहीं पहनी है, तो मैं अभी कांप भी रही थी सुबह सुबह, और ठंडे पानी में हाथ लगाने में तो ऐसा लग रहा बर्फ होगी करके इसके अंदर। और अभी सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, आज बना रहे आलू के पराठे, तो तवे में भी बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ फ्राई दान में, जो छोटा वाला होता है ना उसमें बना रही हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ तवा नहीं लगता है। आज हमारी मम्मी का श्राद्ध है बोल रही है, तो श्राद्ध होने के बाद शाम को हम तवा लगा सकते हैं, अभी सुबह के टाइम में नहीं लगा सकते। तो बुआ के बेटे ने बोला कि आप बनाओ आज आलू के पराठे, इनको बोला गया था, मतलब मुझे तो नहीं कहा था, इनको बोला था कि उससे कहना आलू के पराठे बना दे। तो मैं बना रही हूँ अभी, ये सारा खाना वाना बनाती हूँ, उसके बाद वेदू भी उठ जाएगी, फिर सफाई वगैरह करनी है, ढेर सारा काम है, अगल बगल में सब कूड़ा ही कूड़ा है, ये सारा काम करना है। आप लोगों को मिलूंगी थोड़ी देर बाद, आप लोग बने रहिए व्लॉग में। दोस्तों दिन में का टाइम हो चुका है, हम लोगों का नहाना धोना हो गया था सुबह ही, वेदू ने भी नहा लिया था और मैंने भी हल्का फुल्का मैंने काम कर लिया है अपने घर में, थोड़ा यहाँ वाले कमरे में और थोड़ा नीचे वाले कमरे में मैंने सफाई कर दी है। अब बची हुई है पीछे गली की सफाई करनी, और वहाँ से सारा घास वास हटाना है, तो करूँगी अभी थोड़ा सा धूप चले जाए उसके बाद करूँगी। अभी हम लोग खा रहे हैं, मैं खा रही थी कुरकुरा और वेदू खा रही थी चिप्स, जो लाई थी वेदू की फैन, लखनऊ के चिप्स कुरकुरे हम यहाँ आके खा रहे हैं। और अभी फिलहाल आराम से बैठ गई हूँ, बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए हैं, अच्छा लग रहा है घर आने के बाद। और मेरा हुलिया आप लोग देख रहे होंगे, स्वेटर में आ गई हूँ क्योंकि अंदर साइड ठंडा होने लग गया है हमारे यहाँ भी। और अभी थोड़ी देर बाद मिलूंगी, अगर कुछ ऐसा खास होगा दिखाने लायक, अगर मैं दुकान में गई तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, और नहीं गई तो वो भी दिखाऊंगी, बने रहिए आप लोग व्लॉग में। शाम के टाइम में हम लोगों ने कर दी है गली की सफाई, और हमने जला दिया है सारा का सारा घास यहाँ पे, वेदी का सियाल देख रही है और आग भी सेक रही है। अभी आधा कूड़ा मैं वहाँ गधेरे में डाल के आई और आधा यहाँ पे मैंने जला दिया है। अब हम जा रहे हैं वहाँ बाड़े में मिर्च तोड़ने के लिए, हरी मिर्च और लाल मिर्च, जहाँ जहाँ पे लाल ज़्यादा हुई होगी उसको निकाल लेंगे, और तब तक ये घास भी पूरी जल जाएगी। चल चल वेदू, चलो ऊपर को, अब हम तोड़ के लाएंगे क्या लाल वाली मिर्च, लहसुन मत तोड़ना ठीक है, चलो
मैं आपको खड़ा करके आऊंगी। इसको देखो, ये मैंने कहा मिर्च तोड़ती हूँ, यदि मेरे हाथों में मिर्च लग जाएगी, और अपना देखो जरा फूल तोड़ने लग गई। हाँ फिर मैं बोल रही हूँ, देखो गाइज ये फूल तोड़ रही है गाइज, ऐसा बोल रही हूँ। देखो ऑर्गेनिक, बिना कुछ ही खाद के, हमने ना इसमें गोबर डाला है ना कुछ ना कुछ, ऐसे हुआ है। इसको तोड़ लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है? ये सारे पेड़ों से तोड़ लेती हूँ। बता दादी को, बता हम लोग तोड़ के ला गए हैं अपनी खेत से लाल मिर्च। ये रही लाल मिर्च यहाँ पे किनारे में, और इधर साइड रही राजमा, जो मैं वहाँ जाने से पहले बहुत पहले लगा के गई थी। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा व्लॉग में कि मैं गुड़ाई करी थी राजमा की, तो कुछ इतनी राजमा अभी हो रखी है। हरी हरी वाली मैं अभी सब्जी में डाल दूँगी, और जो पीली पीली हो रखी है इसको छोड़ दूँगी। तो बनाते हैं आज राजमा की सब्जी। ओके, इसको खाली कर देते हैं यहाँ।